बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक नोकिया का फ़ोन है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड FRP का प्रॉब्लम, और इसका जो मॉडल है वो नोकिया 6.1 है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन है और यहाँ पर मैं जो लेस्ट गो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई जो देखते हैं यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पर स्किप करने के बाद इसके अंदर का जो प्रॉब्लम है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आई डाउंट कॉपी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसका प्रॉब्लम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी चेकिंग इन्फो, यहाँ पर देखो वेरीफाई पैटर्न मांगा जा रहा है जो कि हमको पता नहीं है, और यहाँ पर जो नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टॉल, इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वेरीफाई जो है बोला जा रहा करने के लिए, फोन पूरा कंप्लीट चालू होने के लिए वेरीफाई बोला करने के लिए, ठीक है ना। तो वेरीफाई योर अकाउंट जो है मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिवॉल्व करना है विदाउट बॉक्स, तो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में को बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पर नए हो तो अगर आप मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दो बेल आइकन को, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं। तो पीछे का मॉडल आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो खैर चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वेरीफाई योर अकाउंट यहाँ पर ही आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ बैक और इसको पूरा बैक कर देता हूँ। पूरा बैक करने के बाद यहाँ पर देखो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइल बैक पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ऑन करके यहाँ ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ओके करोगे तो आपके सामने टाइल बैक जो है वो कंप्लीट ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एल बनाना, और एल बनाने के बाद यहाँ पर देखो टाइल बैक सेटिंग आ रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना और ये जो है कंप्लीट ऑन पूरा जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चालू हो चुका है, और चालू होने के बाद इसको दो फिंगर से इसको पूरा ओपन करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा ओपन कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पर डेवलपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है जो कि यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देखो डेवलपर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो तो यहाँ पर कोई भी आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको जो है बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता, देखो मैंने पूरा बैक हो गया। उसके बाद इसको मैं पूरा ओपन करता हूँ, आगे ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर कहीं से भी आगे जाने का हमको कोई भी रास्ता जो है नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आना चाहिए जो हम यूट्यूब पर जाएंगे, मगर इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से इसको पूरा बैक करके और इसके बाद यहाँ से जो इसको टाइल बैक जो है इसको ऑफ करके यहाँ से पूरा बैक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, इसके अंदर एक सिम कार्ड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिम कार्ड है, देखो आइडिया का सिम है, और ये जो सिम कार्ड है ना इसको मैंने लॉक किया हुआ, मतलब इसके अंदर पिन कोड मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, इसके अंदर जो सिम कार्ड है वो डाल देना है। तो यहाँ पर मैं सिम कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने सिम कार्ड लगाया और सिम कार्ड यहाँ पर मैं इसको अंदर जैसे डालूंगा वैसे आपके सामने सिम जो लॉक रहेगा वो आपसे पिन मांगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये पिन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर जो मेरा पिन है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जो आपका पिन है वो आप डाल देना, उसके बाद जैसे यहाँ पर टिक पे सही वाले टिक पे निशान पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पे है, हाँ तो दे दो, बोलो लाल है। तो देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे करता कहाँ हूँ मैं, देखो ये जो ऑप्शन आया हुआ तो इसको आपको प्रेस करना, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखो एक डैम का ऑप्शन, इस पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। दे दो डाल के दे दो, हाँ देखो ऐसा आया। ऐसा आने के बाद यहाँ पे एडवांस है, इस पर क्लिक करो, और उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ब्राउज़र ऐप है, इस पर क्लिक करना है, और इधर यहाँ पर ये ओपनिंग लिंक, इस पर क्लिक करने के बाद इसको पूरा ओपन ऊपर आगे करना है, ठीक है, ऊपर करना है। और ऊपर करने के बाद यहाँ पर देखो यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आपको यूट्यूब पर क्लिक करना है। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से एडवांस का ऑप्शन है, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको खैर कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। इस यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडवांस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और इधर क्लिक करने के बाद आपको एड नेशनल सेटिंग इन दी ऐप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यूट्यूब की सारी सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको अबाउट फोन पर जाना है, और अबाउट फोन पर जाने के बाद यहाँ पर गूगल प्राइवेसी जो पॉलिसी है इस पर सिंपली क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्रोम जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना, और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नो थैंक्स पर आपको जो है क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो है आपको सर्च कर लेना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से काटना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल अकाउंट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ गूगल अकाउंट
उसके बाद यहाँ पर मैनेजर लिखना है, गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ पर टाइप करके 6.1 वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद कोई भी एक गूगल अकाउंट मैनेजर जो है हमको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाउनलोड का निशान है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड APK पे। क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन आएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो हेयर पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पर अलाउ इसको दे देना, ठीक है। जैसे अलाउ दोगे तो यहाँ पर ऐसा आएगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ओके कर देना, ठीक है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड, उसके बाद सिंपली उसको ओपन करना, जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पे जाना और क्रोम से यहाँ पर इसको इनेबल करके यहाँ से इसको बैक कर देना है। और देखो यहाँ पर बैक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बैक करने के बाद ये जो गूगल अकाउंट जो मैनेजर है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ही मेरा जो गूगल अकाउंट मैनेजर है वो इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर डन लिखा हुआ, मतलब डन लिखा हुआ आ जाए, देखो डन लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ से इसको आपको डन करके उसके बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर ही आपको डाउनलोड कर लेना है FRP बाईपास। तो FRP यहाँ पर लिखना है FRP, और यहाँ पर ही लिखना बाईपास। तो यहाँ पर मैं बाईपास लिख देता हूँ, बाईपास टूल्स लिख दो यहाँ पे आप, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको लिखने के बाद ये जो FRP बाईपास है इसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर टूल लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैं APK लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो APK आ चुका, तो टूल APK पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ जो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और हमको कहीं से भी एक APK जो है FRP बाईपास वाला उसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो ऐसा ऑप्शन आया, और यहाँ पर देखो मेमो डाउनलोड लिखा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो ऐसा ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। पूरा देखो ऐसा ऑप्शन है, मैं इसको पूरा जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है आपको देखो FRP बाईपास, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ही अलाउ बोला जाए, तो अलाउ मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ जो है मतलब आगे नहीं आया, तो फिर से आपको यहाँ पर ही फिर से FRP पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर भी कुछ नहीं है, चलो तो यहाँ से बैक कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड नहीं होने वाला है। तो फिर मैं दूसरे तरीके से डाउनलोड इसको कर लेता हूँ, मतलब कहीं से भी इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद जो FRP बाईपास वाला जो APK है वो आपको डाउनलोड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर करता हूँ, और ऊपर करने के बाद यहाँ से देखता हूँ डाउनलोड हमारा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक कर लेने के बाद यहाँ से फिर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं इसको APK को हमको कहीं से भी डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेमो डाउनलोड, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फिर से वही ऑप्शन आ गया, तो इसको यहाँ से बैक कर लेना है, ठीक है। तो बैक करने के बाद यहाँ पर जो टूल है मैं इसको काट देता हूँ, और यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आया, मैं ऊपर वाले पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के भाई बाद जो है हमको APK डाउनलोड करना है जैसे भी करके। तो यहाँ पर मैं APK फॉर्म पे क्लिक करता हूँ इधर, तो ये कर देखो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद देखो यहाँ पर ही नीचे में आ चुका है डाउनलोड करने के लिए, तो इसको मैं ऊपर करता हूँ। देखो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ चुका जो मैंने FRP बाईपास, तो यहाँ से मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। देखो डाउनलोड हो चुका, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका है देखो। तो ये वाला वर्जन आया, पता नहीं इस पर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल कर देता हूँ, ये बहुत पुराना वर्जन था इसलिए इस पर काम नहीं करता। तो यहाँ से छोड़ो, आपको दूसरा जो है डाउनलोड करना है, तो मैं दूसरा डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमको जो है कहीं से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड अभी कर रहा हूँ, डाउनलोड FRP APK पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब जल्दी काम नहीं कर रहा, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम फिर से बैक हो जाते हैं, और बैक होने के बाद हमको कहीं ना कहीं से हमको जो FRP बाईपास है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है यार, तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपको पूरा जो है समझ में आने वाला है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड FRP बाईपास APK पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये मीडिया फायर की लिंक खुल गई है, मगर यहाँ पर जो ये 46 MB सॉरी, तो इसमें मैं डिलीट करता हूँ, और ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। यहाँ पर फिर से मैं ट्राई पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर ऑटो ये रिस्टार्ट डाउनलोडिंग दिखा रहा है। तो चलो यहाँ पर हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे चले जाना, ठीक है ना। डाउनलोड पर देखो यहाँ पर ये मतलब डाउनलोड हो रहा है अभी, देखो यहाँ पे ये अभी आ रहा है, दोनों पॉज बता रहा है अभी मेरा जो डाउनलोड नहीं हुआ है, देखो। चलो यहाँ से फिर से हम बैक करते हैं, और फिर से यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। फिर से मैंने ट्राई किया, और फिर से ये ऑटो डाउनलोड के लिए हो गया तैयार।
और यहाँ पर जो है आपको 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना और डाउनलोड पर क्लिक करना है। देखो ये नहीं हुआ, तो चलो यार हमको कहीं ना कहीं से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, तो ये डेवलपर डाउनलोड हुआ, तो इसको कैंसिल कर देते हम। देखो अभी यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ FRP बाईपास APK डाउनलोड। इस पर मैंने क्लिक किया, देखो ऐसा ऐसा ऑप्शन आया। उसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे मैंने क्लिक किया और ऐसा ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ डाउनलोड बाईपास APK पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने इस यहाँ पर ओके किया और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ये ओपन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आया, उसके बाद इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो अभी जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद सिंपली आपको ओपन कर देना। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा साइड में, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके आपको कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओके कर लेना। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वो बोला देने के लिए, तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी वो यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर जो मेरी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मैं, तो फ्रेंड जो भी ईमेल आईडी आपको याद रहे वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दे देनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने जो अब मेरे को याद था वो मैंने ईमेल आईडी दे दिया है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर ही पासवर्ड देना। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड आपको नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड जो है दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सिंपली साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो अभी आगे ये प्रोसेस बढ़ रहा है। यहाँ पर ये साइन इन इन जो है यहाँ पर प्लेस वर्ड जो है बोला जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली ये बैक हो चुका है। यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करना, फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़ोन को रीस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया मैंने फ़ोन को, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ठीक है ना फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो में आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि ये डाउनलोड करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर। तो भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी जो हमारा जो FRP वाला फाइल है, सबसे पहले आपको तो आपको पता है कि टाइल बैक से आगे आपका ऑप्शन नहीं जा रहा था, तो आपको सिम कार्ड को लॉक करने के बाद लगाना है, उसमें पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको जो है आपको गूगल अकाउंट मैनेजर को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको FRP बाईपास APK को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ईमेल आईडी जो भी आपको याद है वो ईमेल आईडी दे देना। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है। जैसे चालू होगा उसके बाद जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अभी जो फ़ोन है हमारा अभी वो चालू हो रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसको रीस्टार्ट किया। देखो यहाँ पर फिर से सिम कार्ड जो बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ, अनलॉक हो गया। उसके बाद मैं इसको ऊपर किया, उसके बाद यहाँ पर देखो मांगा जा रहा है, यहाँ पर सेटअप करना है मेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लिया, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आई डोंट कॉपी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो अकाउंट एडेड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करोगे तो समझ लो कि आपका जो अकाउंट था वो ऐड हो चुका है इसके अंदर जी मेल आई डी की। तो ये भी आगे हो रहा, उसके बाद सिंपली यहाँ पर मोर हो रहा है। इसके बाद इस पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं, और एक्सेप्ट पर क्लिक के बाद यहाँ पर फिंगर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ, और स्किप बोलने के बाद यहाँ पर फिर से मैं स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पर स्किप एनी वे पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है, और नो थैंक्स भी यहाँ पर फिर से आपको स्किप कर देना है, और यहाँ पर नो थैंक्स आपको फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपका जो FRP का जो प्रॉब्लम था जो आपको पैटर्न लॉक वेरीफिकेशन के लिए मांग रहा था वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नॉट नाउ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल अभी चालू हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल चालू हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पर फ़ोन चालू हमारा हो चुका है, और यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग
सेटिंग पे जाता हूँ, और इसके सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जाता हूँ सिस्टम पे, और सिस्टम पे जाता हूँ यहाँ पर अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में इसका जो मॉडल आपको दिख रहा होगा नोकिया 6.1 है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।